तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी की फरमाइश एक लंबे अरसे से क्राइम तक फैमिली के बहुत सारे मेंबर कर रहे थे। कहानी टाइटैनिक की, टाइटैनिक के बनने की, टाइटैनिक के डूबने की, टाइटैनिक में हुई मौत की, और इस हादसे से टाइटैनिक जो फिल्म बनी उन दोनों के बीच में कितनी सच्चाई है उसकी। आप में से ज़्यादातर लोगों ने वो फिल्म देखी होगी जो टाइटैनिक बनी है, 11 ऑस्कर अवार्ड भी मिले। कमाल की बात यह है कि टाइटैनिक जहाज़ जब बनाया गया और उसको बनाने का जो ख़र्चा था, कहीं पे मैं पढ़ रहा था, वो 75 लाख डॉलर में टाइटैनिक जहाज़ बना था। और टाइटैनिक जो फिल्म बनी, उस फिल्म की कीमत थी और लागत थी जो खर्च हुआ 20 करोड़ डॉलर। तो 75 लाख डॉलर में टाइटैनिक बना और 20 करोड़ डॉलर में फिल्म बनी। मुझे लगा कि एक ये रियलिटी है तो आपको बतानी चाहिए। तो टाइटैनिक की पूरी कहानी क्या है, टाइटैनिक का हादसा कैसे हुआ, क्या अगर कैप्टन इस जहाज़ का एडवर्ड स्मिथ 30 सेकंड पहले उन्हें जानकारी मिल जाती, वो ख़तरे को भाप लेते, तो 1500 से ज़्यादा लोगों की जान बच सकती थी क्या? क्या जान बचाने में भी अमीरी और गरीबी का भेदभाव किया गया? ये सारे सवाल टाइटैनिक के साथ जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे सवाल हैं, कोशिश करूँगा सिलसिलेवार आपको बताऊँ। दरअसल टाइटैनिक जहाज़ बनाने का ख्याल उस वक्त इसलिए आया कि दुनिया में पानी पर सबसे तेज़ चलने वाला एक जहाज़ बनाना था जिसकी गति बहुत ज़्यादा हो, जहाज़ आलीशान हो, पानी पर चलता फिरता एक 5 सितारा होटल हो, हर आराम हर आसाइश उस जहाज़ में मुहैया कराया जाए। और इसी को सोचकर बेलफास्ट आयरलैंड में है, वहाँ पे हार्लैंड एंड वॉल्फ, ये दो शिपयार्ड हैं जहाँ पे टाइटैनिक के बनने का काम शुरू किया गया। ये जब बनने का काम शुरू किया गया तो करीब 3000 लोगों की एक टीम थी जिसने टाइटैनिक जहाज़ को बनाया था। करीब 2.25 साल लगे थे टाइटैनिक जहाज़ को बनाने में। जहाज़ को बनाने के दौरान भी कई चीज़ें हुई, 2 लोगों की जान चली गई काम करते हुए, करीब 250 लोग घायल हुए अलग अलग हादसों में इसको बनाते हुए। लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद और 75 लाख डॉलर खर्च करने के बाद 31 मई 1911 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो गया पूरी तरीके से। और इसके बाद इसको पानी में इसका ट्रायल हुआ और फिर ये तय किया गया कि टाइटैनिक का पहला सफ़र कहाँ से कहाँ होगा। और वो सफ़र भी फाइनल हुआ कि अगले साल मई 2011 में ये बना था, और तय हुआ कि करीब साल भर बाद अप्रैल 2012 में टाइटैनिक का पहला सफ़र शुरू होगा जो इंग्लैंड से होकर न्यूयॉर्क के लिए होगा। टाइटैनिक जहाज़ जिस आलीशान तरीके से बनाया गया, इसमें स्विमिंग पूल से लेकर तमाम चीज़ें और बार, कैसीनो, सब कुछ। और इसको 3 क्लास में बांटा गया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। इस टाइटैनिक को बनाने के लिए जब पूरी तैयारी की गई थी तब ये तय हुआ था कि इस टाइटैनिक के अंदर करीब 35,000 लोग, क्रू मेंबर और मुसाफिर एक साथ बैठ सकते हैं, 3,547। तो 3,547 लोगों की क्षमता थी इसमें क्रू मेंबर समेत बैठने की। और इस जहाज़ को, जो कि बहुत ही विशालकाय जहाज़ था, इसके अंदर कुछ इसके आंकड़े हैं कि इसमें करीब 63,000 लीटर पानी पीने का वो रखा जा सकता था, 40 टन आलू, करीब 1600 किलो प्याज 1600, 40,000 अंडे और ज़रूरत की बाकी सारी चीज़ें इस प्लेन में, एक साथ इस जहाज़ में, सॉरी, पानी के रखा जा सकता था। ये उस वक्त सबसे तेज़ चलने वाला जहाज़ था। इसकी गति थी 43 किलोमीटर पर आवर, 43 किलोमीटर की रफ्तार से टाइटैनिक पानी पर दौड़ा करता था। उससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 35-36 किलोमीटर हुआ करता था। टाइटैनिक को जो पहला शुरुआत की गई थी और इसे न्यूयॉर्क पहुंचना था, 7 दिन के अंदर अंदर न्यूयॉर्क का सफ़र पूरा होना था इस टाइटैनिक को लेकर। इसके अलावा इस टाइटैनिक की कुछ और ख़ास चीज़ें थी जो
वो ये थी कि 1 सितंबर 1985 टाइटैनिक हादसे के करीब 73 साल के बाद इसके कुछ मलबे मिले थे, और कहते हैं कि टाइटैनिक के डूबने से इंग्लैंड की इकोनॉमी पे भी बड़ा असर पड़ा था, क्योंकि जहाज़ में इंग्लैंड के बहुत सारे अमीर लोग सवार थे। चूँकि टाइटैनिक का जिस तरीके से प्रचार किया गया, चर्चा हुई, तो पहले सफ़र में सब कोई शामिल होना चाहता था। तो कहते हैं कि बहुत सारे अमीर लोगों की वजह से और उनकी मौत होने की वजह से भी इंग्लैंड की उस वक्त की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ा था। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहाँ पे पानी में तापमान जो टेम्परेचर था वो -2 डिग्री था। मतलब अगर उस पानी के अंदर कोई इंसान गिरे तो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट तक वो ज़िंदा रह सकता, उसके बाद उसकी मौत तय थी। तो ये कुछ टाइटैनिक को लेकर आंकड़े थे। अब आते हैं असली कहानी के ऊपर। 10 अप्रैल 1912 पहली बार टाइटैनिक अपने सफ़र पर निकला था और पहली यात्रा थी इसकी। हालांकि ये भी है कि आखिरी यात्रा भी साबित हुई। टाइटैनिक को अपनी पहली यात्रा के दौरान जब ये सफ़र का आगाज़ हुआ तो ये ब्रिटेन से न्यूयॉर्क जा रहा था अमेरिका, और इसका रूट पहले से तय था। टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपने सफ़र का आगाज़ करता है, शुरुआत करता है, और फिर इसे फ्रांस के चेरबर्ग में पहली बार एक स्टॉपेज था, वहाँ रुकना था, और उसके बाद आयरलैंड के क्वींस डाउन में रुकना था। तो साउथहैम्पटन से निकलने के बाद फ्रांस और आयरलैंड दो जगह पर इसका हॉल्ट था, और उसका तीसरा स्टॉपेज सीधे सीधे न्यूयॉर्क था, और वहीं पे न्यूयॉर्क में इसको 17 अप्रैल 1912 सुबह वहाँ के बंदरगाह पर इसे पहुँचना था। मतलब साउथहैम्पटन इंग्लैंड से चलने के 7 दिन के अंदर अंदर टाइटैनिक को अमेरिका पहुंच जाना था न्यूयॉर्क। जब इस सफ़र की शुरुआत हुई तो करीब 3500 मुसाफिर और क्रू मेंबर इसमें बैठ सकते थे, लेकिन जो पहले सफ़र की बुकिंग हुई थी उसमें कुल 2222 लोग सवार थे, 2222, जिनमें 1340 पैसेंजर थे और 908 क्रू मेंबर, मतलब 1314 मुसाफिर और 908 क्रू मेंबर इसमें सवार थे। सफ़र का आगाज़ ठीक ठाक था, पहला दिन भी अच्छा बीता, दूसरा दिन भी अच्छा बीता। अच्छा, इस सफ़र के दौरान में इस टाइटैनिक के मालिक जो ओनर थे इसमें, वो भी सवार थे अपनी फैमिली के साथ। बाकी जैसा आपको बताया कि इंग्लैंड के बहुत सारे धनी परिवार के लोग भी बैठे हुए थे, और सभी बड़े इंजॉय करते हुए इस सफ़र को और अमेरिका के लिए निकल चुके थे। तो पहला दिन अच्छा बीता, दूसरा दिन भी अच्छा बीता, तीसरा दिन भी अच्छा बीता, मौसम भी सही था, टाइटैनिक को जिस हिसाब से बनाया गया था वो भी सही था। टाइटैनिक का हालांकि उस वक्त प्रचार भी किया गया कि सबसे सुरक्षित जहाज़ है, इसमें कोई हादसा नहीं हो सकता, हालांकि इसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। तो चौथा दिन अब आता है, 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन से निकला, और अब 14 अप्रैल 2012 की तारीख आ गई। 4 दिन बीत गए थे। 4 दिन बीतने के बाद जब टाइटैनिक न्यूफाउंडलैंड के पास पहुंचा, रात के करीब 11:40 हो रहे थे, और तभी वो समंदर में एक आइसबर्ग से टकरा गया। जो बर्फ़ एक तरह से समंदर में, मैंने आपको जैसा बताया कि तापमान -2 डिग्री था, तो वहाँ पे ऐसे 6 आइसबर्ग के होने की पहले से चेतावनी दी गई थी कैप्टन को भी कि जिस रूट से हम जा रहे हैं वहाँ पे जो हिमखंड भी हम जिसे कह सकते हैं आइसबर्ग, ऐसे 6 मिल सकते हैं, और इस बात की चेतावनी कैप्टन को थी। लेकिन कैप्टन को ये लगा था कि जिस तरीके से ये हिमबर्ग या आइसबर्ग आएगा तब तक जहाज़ का डायरेक्शन मुड़ जाएगा, और उससे पहले ही वो उसे घुमा लेंगे और सब कुछ ठीक ठाक होगा, नॉर्मल होगा, इसमें कोई ख़तरे की बात है नहीं। लेकिन ये अंदाज़ा गलत निकला, और 11:40 पर ऐसे ही आइसबर्ग से प्लेन का अगला हिस्सा टकरा जाता है। टक्कर बड़ी ख़तरनाक थी और बहुत ज़ोरदार थी। तमाम मजबूती के बावजूद इस टक्कर से अगले हिस्से को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा था। कुल इस टाइटैनिक के अंदर 16 ऐसे दरवाजे थे जो पानी को बाहर से अंदर आने के लिए रोकने का काम कर रहे थे, जिनको जलरोधी दरवाजे भी कहते हैं। इस आइसबर्ग के टक्कर की वजह से इन 16 में से 5 दरवाजे टूट गए, और उनके टूटने की वजह से जो पानी था समंदर का वो तेज़ी से
टाइटैनिक के अंदर आना शुरू हो गया। तब तक कैप्टन और बाकी लोगों को यह एहसास हो चुका था कि हादसा हो चुका है और पानी आ रहा है और पांच पांच दरवाजों से आ रहा है और बड़ी तेजी से आ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। अगले 2 घंटे और 40 मिनट 2 hours and 40 minutes तक तमाम कोशिश के बावजूद ये दरवाजे बंद नहीं किए जा सके और पानी टाइटैनिक के अंदर घुस गया। -2 degrees बाहर में तापमान, पानी बेहद ठंडा, और अचानक रात के 11:40 पर यह सब कुछ हुआ। बहुत सारे लोग नींद में भी थे, अफरा तफरी मच चुकी। अब इस अफरा तफरी के बावजूद लोगों की जान बचाई जा सकती थी क्योंकि वहां पे लाइफ बोट भी था, टाइटैनिक के अंदर रखा गया था। लेकिन यहीं पे बहुत सारे सवाल उठे। लाइफ बोट जो था ये फर्स्ट क्लास के ज़्यादा करीब रखा हुआ था, फर्स्ट क्लास के मुसाफिर और उनके टिकट के पैसे बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में जो लोग थे वो बेहतर ज़िंदगी के लिए अमेरिका जा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा अमीर, और वो भी नहीं थे। तो लाइफ बोट के ज़रिए लोगों को बचाने की अब कवायद शुरू होती है। लेकिन जिस हिसाब से इसमें मुसाफिर सवार थे, कुछ 2,222 क्रू मेंबर समेत, लाइफ बोट उतनी तादाद में नहीं थी। इस टाइटैनिक में उस दिन कायदे से लोगों की गिनती को देखते हुए 64 लाइफ बोट होने चाहिए थे, लेकिन थे सिर्फ 20, मतलब 44 कम। अब तय ये हुआ कि जो महिलाएं और बच्चे हैं सबसे पहले उनको लाइफ बोट से निकाला जाएगा। बीच में फिर ये भी हो गया कि जो अमीर लोग थे उसमें बहुत सारे, वो ये था कि हमने ज़्यादा पैसे दिए, पहले हमें बचाओ। इस चक्कर में और पानी तेज़ी से घुस रहा था, धीरे धीरे लाइफ बोट से लोगों को निकालने की जब कवायद शुरू हुई तो बहुत सारे लोग लालच में और अपनी जान बचाने के लिए, जैसे एक लाइफ बोट में अगर 67 लोग, 67 करीब एवरेज बैठ सकते थे, 20-20, 15-15 ही बैठ कर निकल गए। 30-40 को और बैठा सकते थे लेकिन बिठाया नहीं, क्योंकि उनको लगा कि उनकी जान चली जाएगी, अफरा तफरी का आलम था। और इस तरीके से जो लाइफ बोट थे उसका भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाया, और यही वजह है कि वक्त बीतता गया और इन 2,222 लोगों में से करीब 1,500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, और सिर्फ इसमें सवार 706 लोगों की ही जान बचाई जा सकी। मरने वालों में बाद में सिर्फ करीब 340 लोगों की ही लाशें मिली, बाकी की लाश भी नहीं मिली। और इस जहाज़ में डूबने वालों में सबसे ज़्यादा जो थे वो मेल थे, पुरुष थे। उसकी वजह ये थी कि यह तय हुआ था कि जिन लोगों की जान बचानी है उनमें सबसे पहले महिलाएं और बच्चे होंगे, उनको लाइफ बोट दी जाएगी और वो उससे बाहर निकलेंगे। तो शायद इसकी वजह यही है कि पुरुषों की जान ज़्यादा गई क्योंकि महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन इस जान बचाने और मरने के बीच में अमीरी और गरीबी यहाँ पर भी काम कर गई। फर्स्ट क्लास में जो लोग सवार थे उनमें से 60% लोग और बचाए गए। जितने लोग सवार थे फर्स्ट क्लास में उनमें से 60% की जान बचा ली गई। सेकंड क्लास में जितने लोग सवार थे उसमें से 42% लोगों की जान बचाई गई। लेकिन थर्ड क्लास में जितने लोग थे उनमें से सिर्फ 25% की जान बचाई गई। मतलब हर 100 में जो थर्ड क्लास में था 75 लोगों की जान चली गई, और सबसे ज़्यादा मौत मरने वालों की तादाद थर्ड क्लास में ही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लाइफ बोट सबसे आखिर में दिया गया। ये भी कहा गया कि उनको लाइफ बोट दिया ही नहीं गया और उन्हें बंद कर दिया गया था ताकि जो लाइफ बोट थे वो बाकी लोगों के काम आ सकें, इन लोगों को बाद में दिया जाएगा। और यही वजह है कि थर्ड क्लास में सवार लोग सबसे ज़्यादा इस हादसे का शिकार हुए। अब यहाँ पे दो चीज़ें थी। एक ये था कि जो जहाज़ के कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ, इन्हें मालूम था कि 6 आइसबर्ग इस तरीके का ख़तरा है और टाला जा सकता है, और ये कहते हैं एक्सपर्ट टल सकता था अगर टाइटैनिक की स्पीड कम होती। लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त टाइटैनिक की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी, और कहते हैं कि उसकी वजह ये थी कि जो इसके ओनर थे टाइटैनिक के, वो कैप्टन एडवर्ड को ये कह रहे थे कि तुम तेज़ चलाओ। शायद वो रिकॉर्ड भी बनाना चाहते थे इंग्लैंड से न्यूयॉर्क पहुंचने का कम वक्त में, ये भी एक चीज़ हो सकती थी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि एक इल्ज़ाम है कि कैप्टन को खुद ओनर ने तेज़ चलाने के लिए कहा था, और यही वजह है कि ये इसकी स्पीड इतनी थी कि जब आइसबर्ग का पता चला तो उस वक्त जहाज़ को मोड़ा जाना था और मोड़ा भी गया,
लेकिन अगर गति कम होती तो वो जल्दी मुड़ जाता, गति ज़्यादा थी और उसमें कई सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें आ गई जिसकी वजह से वक्त पे मुड़ नहीं पाया और सिर्फ 30 सेकंड। कहते हैं कि अगर 30 सेकंड पहले ये जहाज़ मुड़ चुका होता या 30 सेकंड पहले कैप्टन ने एक्शन ले लिया होता मोड़ने का, तो टाइटैनिक हादसा नहीं होता और ये आइसबर्ग से टकराने से बच जाता। लेकिन सिर्फ 30 सेकंड की वजह से ये जहाज़ आइसबर्ग से टकरा गया। और इसलिए ये हादसा हुआ कि इसमें और भी चीज़ें हैं जो एक्सपर्ट्स की हैं, वो ये है कि एक जो कैप्टन थे उनको 6 आइसबर्ग के बारे में जब कहा गया और उस रूट पे कहा गया तो उस वक्त उन्होंने उसको बहुत हल्के से लिया था और उनका ये अपना मानना था कि शायद टाइटैनिक इस आइसबर्ग से टकराने के बाद भी इसको कोई नुकसान नहीं होगा और ये आगे बढ़ जाएगा। और यही वजह है कि उन्होंने इसकी सीरियसनेस को सीरियसली लिया ही नहीं और 30 सेकंड जहाज़ मुड़ने की देरी की वजह से टाइटैनिक का ये हादसा हो गया। जो थर्ड क्लास में सवार थे टाइटैनिक में मुसाफिर, उनको लेके बाद में बहुत सारा हंगामा हुआ कि उनके साथ सबसे सौतेला सलूक किया गया और यही वजह है कि उसमें 75% लोगों की जान चली गई। तो उसमें फिर सफाई ये दी गई कि अमेरिका का एक अप्रवास कानून है जिसमें ये था कि ऐसे लोग जो थर्ड क्लास में हैं वहाँ पे नौकरी और मजदूरी और इसके लिए जा रहे हैं तो उनको अलग इसलिए रखा जाना है क्योंकि जब अमेरिका में वो उतरेंगे तो फिर उनका मेडिकल टेस्ट और बाकी चीज़ें होंगी ताकि वो कोई संक्रामक बीमारी और ये सारी चीज़ें लेकर तो नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस थर्ड क्लास में जो ज़्यादातर मुसाफिर सवार थे वो रूस के थे, चीन के थे, सीरिया के थे, इटली के थे, ये वो लोग सवार थे और इन्हीं में से सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई। तो टाइटैनिक के इस हादसे के बाद लंबे अरसे तक इसकी खोज की मलबे की और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि करीब 85-87 में टाइटैनिक का वो मलबा मिला। अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं। एक जिसको लेके बहस है कि कैप्टन ने उस वक्त जो एडवर्ड थे उन्होंने वक्त रहते ख़तरे को नहीं भापा इसलिए यह हादसा हुआ। दूसरा एक ये भी था रूमर कि जब यह हादसा हुआ तो कैप्टन अचानक गायब हो गए, लाइफ बोट लेकर भाग गए, लेकिन ये सारी चीज़ें अफवाहें थी। दरअसल उस वक्त कैप्टन ने फिर बहुत सारे लोगों को बचाने की कोशिश की और कहते हैं कि आखिरी वक्त तक उन्होंने बाकी लोगों को लाइफ बोट दिया और फिर खुद निकले और इसीलिए एडवर्ड जो कैप्टन थे टाइटैनिक के उनको ब्रिटेन में एक हीरो के तौर पर भी माना गया। दूसरा एक आया कि जो इसके मालिक थे इसमें जब ये हादसा हुआ तो सबसे पहले उन्होंने खुद के परिवार के लिए लाइफ बोट मांगा और वहाँ से जान बचाने के लिए भागे, लेकिन बाद में ये चीज़ें भी गलत साबित हुई और ये हुआ कि उन्होंने टाइटैनिक में सवार मुसाफिरों की पूरी भरपूर मदद की थी और बाद में वो उस टाइटैनिक से निकले थे। लेकिन हाँ, दो चीज़ें थी। एक, अगर स्पीड कम होती टाइटैनिक की तो शायद ये हादसा ना होता। दो, टाइटैनिक में जितनी क्षमता थी लाइफ बोट को रखने की अगर वो रखी जाती तो शायद बाकी लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लाइफ बोट कम पड़ गए इसलिए बहुत सारे लोगों को बचाया नहीं जा सका। तीन, जितने लाइफ बोट थे उससे भी करीब 700 और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अगर उस लाइफ बोट को लेकर बंदर बांटना होता, भगदड़ ना मचती, क्योंकि जैसे ही कुछ लोग लाइफ बोट में, जैसे एक फैमिली का बैठा और उसे लगा कि अब बाकी सारे लोग भागने के लिए तैयार हैं तो लाइफ बोट पर ज़्यादा लोग ना बैठ जाएं, लाइफ बोट भी ना डूब जाए, तो इस डर से और अपनी जान बचाने के लिए जो इंसानी फितरत होती है उन्होंने बाकी को पीछे छोड़ दिया। तो बहुत सारे लाइफ बोट ऐसे थे जिसमें 2-2, 4-4, 5-5 ही लोग निकल गए जबकि उसमें आराम से 20-30 और लोगों को बिठाया जा सकता था। तो अगर लाइफ बोट की तादाद पूरी होती, जो लाइफ बोट थी उतने में ही जो गिनती के हिसाब से सारे लोगों को बिठाया जाता तो भी जान बच सकती थी, लेकिन ये सारी चीज़ें हुई नहीं और जो ज़्यादातर लोग थे डूबने से। और एक बताया आपको कि -2 डिग्री तापमान था तो 15-20 मिनट से ज़्यादा आप उस पानी में ज़िंदा रहने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी, तो इस वजह से उनकी जान चली गई। 100 साल पूरे होने पर उसके बाद टाइटैनिक फिल्म आई थी जो मैंने भी देखी और बहुत ही अच्छा फिल्म आया गया था, इसीलिए उसको 11 ऑस्कर मिले और काफ़ी खर्च भी किया गया था। तो $75 लाख में टाइटैनिक जहाज़ बना और $20 करोड़ में टाइटैनिक फिल्म बनी थी। ये थी कहानी टाइटैनिक की। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।